अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन। घर पे बहुत आसानी से बनता है ये रेसिपी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है भूल जाते हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह मैंने एक पैकेट ये वाला चाउमीन ले लिए हैं। आपके पास जो भी हो, ये आटा का है, मैदे का भी हो, जो भी हो, बस चाउमीन होने से मतलब है। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिए, उसमें मैंने ये चाउमीन को डाल दिए हैं पानी में। अब लगभग 2 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल ये अलग अलग हो गया है। अब इसको आप थोड़ा सा दबा के देख लीजिए, अगर नरम हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा 2 मिनट और छोड़ दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगा मुझे, ये हो गया। अब हमने इसे एक दूसरे बर्तन में उझल लेना है, पानी हटा देना है। और मैंने ये जाली वाला बर्तन में रख के थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डाल दिए हैं, ताकि ये जल्दी से इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाए। वही फ्राई पैन मैंने धो के ले लिए है, ज़्यादा बर्तन गंदा ना करके। और यहाँ मैंने डाल दिए है रिफाइंड तेल, कुछ प्याज टमाटर हरा मिर्चा काट के ले लिए हमने। तो प्याज को जो है हमें थोड़ा सा लाल कर लेना है। देखिए हल्का सा ये जो है इसका कलर आ गया। अब हमें यहाँ डाल देना है अपना टमाटर और हरा मिर्चा। तो इन्हें थोड़ा सा हल्का सा गला लेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी भी ले लिए है, क्योंकि चाउमीन में पत्ता गोभी जो है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्चा का पाउडर डाल दिए हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा पका लेते हैं, टमाटर गल जाए तब तक। कुछ थोड़ा सा गरम मसाला मैंने आधा छोटी चम्मच डाल दिए हैं। गरम मसाला पाउडर, आपके पास गरम मसाला पाउडर ना हो तो आप एक पैकेट मैगी मसाला डाल दें। तो ये जो है इसका कलर आ गया। अब हमने चाउमीन को इसमें डाल देना है। तो सारा चाउमीन मैंने डाल दिया। अब आपको इसे उलट पलट करते रहना है। आप चाहे तो 2 काटा चम्मच से भी इसको उलट पलट कर सकते हैं। मुझे आदत है, मैं हमेशा बनाती हूँ, इसलिए मैं पालटा से ही इसको उलट पलट कर लेती हूँ। तो इसे हमें अच्छी तरह से उलट पलट करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए है 1 चाय चम्मच जितना सोया सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप 1 टेबल चम्मच जितना, बस हो गया, इतना ही मसाला इसमें जाएगा। और सोया सॉस अगर आपके पास ना भी हो तो भी चलेगा। तो इसे थोड़ा सा और उलट पलट कर लेते हैं 2-3 मिनट तक। बस बन गया हमारा स्वादिष्ट सा चाउमीन, ये मेरा हो गया है। मैं इसमें लास्ट में डाल दूँ थोड़ा सा धनिया का पत्ता और थोड़ा सा पत्ता गोभी। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये बन गया। बाज़ार से तो बच्चे रोज़ हमेशा ले आके ये सब खाते हैं। आप घर में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से इसे बना के बच्चों को खिला सकते हैं, सस्ते में घर के सारे लोग खा लेंगे। कैसा लगा मेरे ये वीडियो, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना